नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा, और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एआई से होगी फर्जी परीक्षार्थियों की पहचान, नकल करने वालों को मिलेगी कड़ी सजा। 2025 मैट्रिक और इंटर परीक्षा में लागू होगा एआई। 70 प्लस लोगों के बनेंगे स्वास्थ्य कार्ड, 20 नवंबर से चलेगा विशेष अभियान। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने दिए निर्देश। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की एंट्री पर सख्ती बढ़ाई, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विद्यालयों को दी चेतावनी। का ये शिक्षा कोर्स पर बच्चों की एंट्री 100% सुनिश्चित करें। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव, तिरहुत में 18 उम्मीदवार मैदान में, आज होगी नामांकन पत्रों की जांच। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलेंगे मोहम्मद शमी, बंगाल टीम में मोहम्मद शमी की वापसी। 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा टूर्नामेंट। अब खबरें विस्तार से। बिहार बोर्ड ने 2025 से मैट्रिक और इंटर परीक्षा में धोखाधड़ी और फर्जी परीक्षार्थियों की पहचान करने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। नए सिस्टम में फेस रिकॉग्नाइजेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जैसी तकनीकें शामिल होंगी। इसके जरिए छात्रों की पहचान और दस्तावेजों की प्रमाणिकता सुनिश्चित की जाएगी, जिससे फर्जी परीक्षार्थियों की पहचान करना आसान होगा। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि अगले साल से फॉर्म भरने के दौरान एआई और चैटबॉट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि छात्र नाम या उम्र में बदलाव कर परीक्षा देने की कोशिश न कर पाए। बिहार सरकार ने 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 20 नवंबर से 12 दिसंबर तक राज्य भर में चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे इस अवधि के दौरान शिविरों का आयोजन करें। शिविरों में वरिष्ठ नागरिकों का कार्ड बनाने के लिए जन वितरण दुकानों, पंचायत सरकार भवनों, प्रखंड कार्यालयों और प्रमुख पार्कों में विशेष काउंटर स्थापित किए जाएंगे। ये पहल राज्य के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल सके, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसी भी हो। बीते 18 नवंबर नामांकन के अंतिम दिन तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के लिए कुल 18 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, और आज 19 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। ये उपचुनाव जदयू के पूर्व सांसद देवेश चंद्र ठाकुर द्वारा लोकसभा चुनाव जीतने के कारण हो रहा है। प्रमुख उम्मीदवारों में जदयू के अभिषेक झा, राजद के गोपी किशन, जन स्वराज पार्टी के डॉक्टर विनायक गौतम और लोजपा रामविलास के राकेश रोशन शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व बीजेपी नेता मनोज कुमार वत्स, जदयू के बागी अरविंद कुमार विभात और दो महिला उम्मीदवार रिंकू कुमारी और संजना भारती भी चुनावी मैदान में हैं। नामांकन पत्रों की जांच आज होगी और मतदान 5 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा और मतगणना 9 दिसंबर को होगी। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में नामांकित बच्चों की एंट्री में सुस्ती के कारण सख्ती बढ़ा दी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने निजी स्कूलों के प्राचार्यों और संचालकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी निजी विद्यालयों को निर्देश दिया कि वे ई शिक्षा कोर्स पर बच्चों की एंट्री जो है 100% सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान में केवल 66% बच्चों की एंट्री की गई है, जो कि चिंताजनक है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विद्यालय जल्द से जल्द पूरी एंट्री कर ले। साथ ही उन विद्यालयों को सख्त चेतावनी दी गई है जिन्होंने अब तक अपने विद्यालय का निबंधन ई निबंधन पोर्टल पर नहीं कराया है। ऐसे विद्यालयों को जल्द से जल्द आवेदन करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि विद्यालयों को बच्चों का परमानेंट एजुकेशन नंबर बनाकर उनके अपार आईडी का निर्माण करना चाहिए। बिहार की नवादा जिले के प्रिया राज ने बिहार का मान बढ़ाया है। बीसीसीआई द्वारा आयोजित विमेंस अंडर 15 वनडे ट्रॉफी के लिए उनका चयन जो है बिहार टीम में किया गया है। बता दें, प्रिया राज ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित महिला क्रिकेट चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उनका चयन किया गया है। अब वे आगामी टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस टूर्नामेंट में बिहार का पहला मैच 21 नवंबर को हैदराबाद के खिलाफ होगा। इसके बाद वे नागालैंड, केरल, हरियाणा और तमिलनाडु जैसी टीमों के खिलाफ भी मुकाबला करेंगे। अगर प्रिया का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में बेहतर रहता है तो उन्हें सीनियर टीम में स्थान मिल सकता है।
इधर बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक बार फिर राज्य के स्कूलों में शैक्षणिक माहौल सुधारने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। दरअसल उन्होंने स्कूल परिसर में शिक्षकों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील्स बनाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। एस सिद्धार्थ का कहना है कि ये कदम स्कूलों में अनुशासन और बेहतर शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। उनका ये फरमान साफ तौर पर ये संदेश दे रहा है कि स्कूल परिसर में केवल शैक्षणिक गतिविधियां ही होनी चाहिए, ना कि कोई गैर शैक्षणिक गतिविधियां। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि शिक्षकों और विद्यार्थियों को स्कूल के बाहर सोशल मीडिया पर गतिविधियों की छूट दी जाएगी। बिहार सरकार ने राज्य के नहरों में बढ़ती गाद की समस्या से निपटने के लिए एक नई कार्य योजना बनाई है। इसके तहत 20 क्यूसेक से कम क्षमता वाली नहरों की सफाई के लिए मनरेगा योजना का सहारा लिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य नहरों में पानी के प्रवाह को बेहतर बनाना है और स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करना है। नहरों की गाद उड़ाही का काम ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराया जाएगा और ये मानसून से पहले पूरा किया जाएगा। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे बड़ी नहरों तक विस्तारित किया जाएगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आगामी 21 नवंबर को बिहार के गया जिले का दौरा करेंगे। ये दौरा खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्री का ये पहला बिहार दौरा है। गया में आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, जिनमें NHI की रजौली बख्तियारपुर परियोजना भी शामिल है। इस कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है और गया के विधायक तथा सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार को केंद्रीय मंत्री ने आमंत्रित किया है। इसके अलावा BJP की स्थानीय इकाई भी इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी ओर से पूरी तरह से तैयारियां में जुट गई है। दिवंगत लोक गायिका शारदा सिन्हा का एक भावुक वीडियो सामने आया है जिसे उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने शेयर किया है। ये वीडियो उनके निधन से ठीक 54 घंटे पहले का है। ये वीडियो 3 नवंबर का है जब शारदा सिन्हा अस्पताल में भर्ती थी। अस्पताल के वार्ड में लेटी हुई शारदा सिन्हा एक मैना से इस तरह बात करती नजर आई है जैसे वे अपनी पुरानी दोस्त से बात कर रही हों, जिसमें वे कह रही हैं कि हम भी आ रहे हैं तुम्हारे पास। इस पल को उनके बेटे अंशुमान ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। ये वीडियो शारदा सिन्हा के जीवन का आखिरी संवाद साबित हुआ। बता दें कि 5 नवंबर को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज शाम राज्य सचिवालय में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा होने की संभावना है, जिनमें सबसे अहम है राज्य में 12 लाख नौकरियों का वादा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल 7 लाख नौकरियां देने का काम चल रहा है और अब सबकी नजर इस बैठक पर रहेगी कि इस बार कैबिनेट क्या बड़े फैसले लेती है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार नीतीश सरकार के लिए रोजगार और नौकरी देना एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है और इस पर कोई ठोस कदम भी आज मीटिंग में उठाया जा सकता है। बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO के 4,500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये भर्ती नेशनल हेल्थ मिशन के तहत की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया 21 नवंबर 2024 तक चलेगी। विभिन्न श्रेणियों के लिए पदों का जो विवरण है, अनारक्षित के लिए 979, EWS के लिए 245, SC के लिए 1243, ST के लिए 55, EBC के लिए 1170, BC के लिए 640, महिला पिछड़ा वर्ग यानी कि WC के लिए 168 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास BSc नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त 6 महीने का CCH सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। आयु सीमा सामान्य और EWS वर्ग के लिए पुरुषों के लिए 42 वर्ष और महिला के लिए 45 वर्ष है। BC और EBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं SC और ST के उम्मीदवारों के लिए ये सीमा जो है 47 वर्ष है। न्यूनतम आयु सभी वर्गों के लिए 21 वर्ष है। आयु की गणना जो है 1 अक्टूबर 2024 के आधार पर की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
सीबीआई ने रेलवे के वरीय सेक्शन इंजीनियर विवेक रंजन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जमा करने का मामला दर्ज किया है। ये मामला उस समय सामने आया जब बक्सर आरा फोरलेन पर दल सागर चेक पोस्ट के पास रंजन के पास 800 ग्राम सोने की बिस्किट बरामद हुए। बिस्किटों की शुद्धता 99.50% बताई जा रही है। सीबीआई ने रंजन के पटना स्थित आवास पर भी तलाशी ली और कई संवेदनशील दस्तावेज बरामद किए गए। अभी तक रंजन इन बिस्किटों का कोई वैध प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। मामले की गहनता से जांच जारी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का जो सिलसिला है थम चुका है, लेकिन इस चुनावी रण में एक सवाल बार बार उठ रहा है। सवाल ये कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार जो एनडीए के अहम नेता माने जाते हैं, पहले और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में कहीं नजर नहीं आए। हालांकि बिहार में एनडीए दावा करती है कि वे बूथ स्तर पर अपनी ताकत को दिखा रहे हैं, लेकिन झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए के अंदर बड़ा गैप देखने को मिला। इस पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाना भी शुरू कर दिया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं, इसलिए चुनावी प्रचार से दूर हैं। वहीं जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस पर आरोप का जवाब दिया और कहा कि सीएम नीतीश कुमार का काम बोलता है, चाहे वे चुनावी कार्यक्रमों में शामिल हो या ना हो। नगर पटना में एक सेवानिवृत्त महिला प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर अपराधियों ने ठगी का शिकार बना लिया। अपराधियों ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फंसाने की धमकी दी और 2 दिनों तक वीडियो कॉल पर हिरासत में रखा। खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर महिला से बैंक खातों की जानकारी ली गई और फिर उनके खातों से 3.06 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। ये घटना एक नए ठगी के तरीके का उदाहरण है। ये घटना साइबर अपराधों में वृद्धि का संकेत है और ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता की चेतावनी देती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 का आगाज 23 नवंबर से होने जा रहा है और ये प्रतियोगिता जो है 15 दिसंबर तक चलेगी। इस टूर्नामेंट में 38 टीमें हिस्सा लेंगी और सभी का लक्ष्य होगा टूर्नामेंट का खिताब जीतना। इसी बीच सोमवार को बंगाल की टीम का ऐलान किया गया, जिसमें दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भी जगह दी गई। मोहम्मद शमी जो लंबे समय से भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे थे, अब घरेलू क्रिकेट में अपनी वापसी कर चुके हैं। वे आखिरी बार 2023 वनडे विश्व कप फाइनल में भारत के लिए खेलते हुए नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने एक सर्जरी करवाई थी और अब अपनी फिटनेस को लेकर वे शानदार वापसी कर रहे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राकेश मिश्रा, बलराम मंडल, संजीव कुमार, ऋतुराज, कुश कुमार यादव, राम बाबूदास, छोटू रजा, अनवर करीम खान, सानवी गुप्ता, मोहम्मद साकिर हुसैन, रंजीत मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, मनोज कुमार, राजकिशोर महतो, मिथुन चक्रवर्ती, रवि मोहन वर्मा, बाबूलाल मरांडी, रवि शंकर शाह, अर्जुन राम, मोहम्मद फुरकान कलीम। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, परिवार के साथ समय बिताना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए, देखने के लिए आप बिहारी न्यूज़ देखते रहिए और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।